हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि तो आज मुझे दो तीन इम्पोर्टेंट काम करने हैं एक तो आरब लोगों की आ, जो मैंने कबर्ड ऑर्डर की थी वो आ गई है तो मुझे उसको भी अरेंज करना है आज मैं कोशिश करूँगी कि कर लूँ और दूसरा मुझे आज आरब यश का वॉकर जो है वो भी सेट करना है आ, क्योंकि अब वो ना चलने लगा है और चल के वो परेशान कैसे करता है कि वो ना सारे जो भी स्टूल्स हैं स्टूल्स तो खैर चलो नॉर्मल है बट वो कोई भी ऐसी चीज जो होता है ना जिसको पकड़ के कपड़े का स्टैंड है या कोई भी ऐसी चीज जो उसको लगता है कि पकड़ के मैं खड़ा हो सकता हूँ तो पकड़ के खड़ा होता है और फिर चलने लगता है उसमें क्या होता है कि वो सामान में कितना स्ट्रेंथ है वो हिली और करी तो ये गिर जाए इसको चोट लग जाए तो पूरे टाइम दिमाग में ये लगा रहता है तो हमेशा वो चलता है नहाने गई वॉशरूम गई तो दिमाग में ये चलता है कि कहीं गिर ना जाए तो चलने की उसकी मतलब सीख तो गया है लेकिन अभी उसको प्रैक्टिस करना बाकी है तो अब वॉकर मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं उसे वॉकर दूंगी तो अब वो वॉकर भी है ही मेरे पास तो वो मैं उसको सेट करके आज सोच तो रही हूँ कि आज इवनिंग में मतलब चाय वाय पी करके आ, उसको वो भी सेट कर दूँ कबड़ भी सेट कर दूँ तो ये सारी मेरी आज की प्लानिंग है देखते हैं कि क्या है और चलो मैं चाय वाय बना लेती फिर आपसे मिलती तो पहले मैं आपसे एक रेसिपी शेयर कर देती हूँ ये लंच में मैंने यश के लिए बनाया था साबुदाने की एक रेमेडी टाइप रेसिपी है जब टीदिंग होती है तो बच्चों को लूज़ मोशन काफ़ी सारा ज़्यादा होता है मतलब तो उसमें क्या होता है बच्चे कुछ खाते नहीं हैं लूज़ मोशन होते हैं परेशान होते हैं तो ये रेमेडी मुझे किसी ने बताई थी घर में ही तो आ, उन्होंने बताया था कि ये रेमेडी से लूज़ मोशन जो है चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों सबको थोड़ा हेल्प मिलती है बट डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहे हैं तो आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी बट डाइट की अगर हम बात करें तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो ये लूज़ मोशन को होल्ड करने के लिए कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा काम करती है तो मैंने थोड़ा सा साबुदाना उसको गर्म पानी में एक घंटे के लिए सोक कर दिया था और ये एकदम मशी हो गए हैं तब हम इसको कुक करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है मैं जैसा बता रही हूँ आपको यही रेसिपी फॉलो करनी है इसमें अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है और डेफ़िनेटली आप इसकी खीर बिल्कुल भी बना सकते क्योंकि लूज़ मोशन में ऑलरेडी दूध वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लूज़ मोशन को और बढ़ाता है तो फ़िलहाल मतलब मैंने करीब टेन डेज तक यश को जो है वो मिल्क नहीं दिया था एनिमल मिल्क नहीं दिया था ऑफकोर्स ब्रेस्ट मिल्क मैं दे ही रही थी तो इसीलिए मैं इसकी खीर नहीं बना सकती थी तो इसमें जो बेसिक इन्ग्रीडियंट्स ही जाएंगे एक पिंच मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है एक पिंच जीरा और एक पिंच ब्लैक पेपर पाउडर और वन फोर्थ टी स्पून जो घी देसी घी अगर का बना हुआ है वही यूज़ करना है कोई तेल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है तो थोड़ा सा घी मैंने गर्म किया है और मेक श्योर sure कि देसी घी आप यूज़ करें क्योंकि उसी का जो इफ़ेक्ट है वो आपको मिलेगा इस रेमेडी के थ्रू तो थोड़ा सा देसी घी लिया है उसको गर्म करके उसके अंदर मैं ये जो साबुदाना है वो डाल दूंगी तो यहाँ पर जीरा पाउडर भी आप ले सकते हो बट मेरे पास क्योंकि जीरा पाउडर नहीं था तो साबुत जीरा लिया है तो वो पहले डाल दूंगी और उसके बाद इसमें साबुदाना आपको डाल करके थोड़ा सा चला के भून लेना है एंड देन फिर मैंने इसे ढक करके पकाया था एक दो चम्मच मैंने पानी भी डाल दिया था ताकि ये जो मतलब वो अच्छे से गला रहे पका रहे मतलब मेरे को श्योरिटी रहे इसीलिए मैंने ऐसे किया था बट इसको बहुत ज्यादा रनी लिक्विड ही नहीं बनाना है इसमें कोई वेजिटेबल वगैरह आपको ऐड नहीं करनी है सिंपल इसी तरीके से बना करके आप अपने बच्चों को दे सकते हो जितना वो खाएं सिर्फ उतना ही दीजिए फोर्स मत कीजिए क्योंकि बच्चे ऑलरेडी टीथिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं मैंने इस बार यश को को देखा आर के टाइम पर मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी उसके दो रीज़न थे एक तो आर अकेला था तो मेरे पास जितना टाइम था वो पूरा मैं आर को दे पाती थी और यश के साथ में ऐसा नहीं था दूसरा कि अभी जब उसको टीडिंग हो रही थी तो मैं घर पे नहीं थी मैं बाहर थी मतलब मेरी मम्मी के घर थी या ट्रैवल पे ही थी तो अपने घर का कंफर्ट एक अलग होता है और जब आप बाहर होते तो एक अलग चीज़ होती है तो दो फैक्टर्स की वजह से मुझे लगता है कि यश को टीदिंग आ, हो रही थी तो मतलब मैंने देखा कि उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी लूज़ मोशन हो रहे थे टीदिंग पेन हो रहा था पेट में उसके दर्द वगैरह जो भी हो रहा था तो बहुत ज़्यादा बच्चों को कम्फर्ट की ज़रूरत होती है और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं बच्चे बच्चों को जब टीदिंग होती है तो हम एज अ पेरेंट मैं भी थोड़ा घबरा गई थी कि क्यों हो रहा है क्या हो रहा है बट क्योंकि मेरे को पता था थोड़ा तो मेरे को ये मालूम था कि ये प्रॉब्लम्स हैं ठीक हो जाएगी तो सबसे पहली चीज़ जो है ट्रीदिंग जब होती है तो बच्चे खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं तो टेंशन मत लीजिए पेशेंस रखिए उनको थोड़ा ज़्यादा पानी दीजिए पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया लूज़ मोशन होने लग जाते हैं तो डिहाइड्रेशन होने का काफ़ी हाई चांस रहता है और जैसे आप पानी पिलाते रहेंगे ना तो लूज मोशन में भी हेल्प मिलती है फीवर वगैरह आ रहा है तो उसमें भी हेल्प मिलती है बच्चों को डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन शॉर्ट तो पानी पिलाते रहिए ब्रेस्ट मिल्क देते रहिए कोकोनट वाटर दीजिए दही अगर बच्चा खाता है तो दही छाछ आप ज़रूर दीजिए वो टीदिंग में बहुत हेल्प करते हैं ये वाली रेसिपी भी आप डेली आप दीजिए एटलीस्ट जब तक ये सब लूज़ मोशन की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती है और जैसा कि मैंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रही है एक दिन में चार पाँच बार से ज़्यादा हो रहा है तो आप मेडिसिन भी दीजिए डॉक्टर से पूछ कर मैंने यश को मेडिसिन भी दी थी बाद में और तीन चार दिन ही दी थी एंड देन फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि टीदिंग जब बात दांत निकल जाते हैं तो लूज़ मोशन अपने आप ही कम हो जाते है बट क्योंकि वो इतना ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहा था तो मुझे डर लग रहा था और जो लूज़ मोशन में बच्चों को पॉटी होती है ना वो थोड़ी अलग होती है ग्रीनिश कलर में हो सकती है थोड़ी स्मेली भी हो सकती है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बट हाँ बहुत ज़्यादा बच्चे लूज़ मोशन करते हैं तो उनके रैशेस वगैरह हो होने का डर रहता है तो मेक श्योर कि आप डायपर रैश क्रीम यूज़ करें चाहे भले ही आप कॉटन का नैपी यूज़ कर रहे हो स्टिल आप डायपर रैश क्रीम भी यूज़ करें जिससे रैशेज़ आप टोटली अवॉइड कर सकें तो यहाँ पर मेरी रेसिपी बन चुकी थी मैंने बीच बीच में ऐसे दो तीन बार ऐसे खोल कर ढक करके पकाया था तो उसके बाद गैस बंद करके मैंने ढक दिया था और फिर पाँच मिनट बाद थोड़ा सा जब ठंडा हो गया तब फिर मैंने इसको कटोरी में सर्व कर लिया तो आप देख सकते हो कि ये रनी बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा सा लिक्विड ही है लिक्विड ही नहीं मतलब सॉफ्ट टेक्स्चर का है तो यश को जब मैंने खिलाया था तो उसने खाया था उसको पसंद आ रहा था और क्योंकि इसमें मेन जब बच्चों के गम्स हार्ड होते हैं ना तो उनको चाहिए कि उनके गम्स में कुछ चबाने वाली चीज़ आए तो और बहुत ज़्यादा उनको मेहनत ना करनी पड़े बट स्टिल उनके गम्स पर कुछ उनको करने को मिले तो ये वो चीज़ है जो बच्चे अपने गम्स के थ्रू दबाते हैं तो उनके मसाज भी हो जाती है खाना भी हो जाता है और लूज़ मोशन में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना और भी कोई रेमेडी आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर शेयर करना और दही रायता छाछ ये भी आप ज़रूर दीजिए थोड़ा सा ठंडी चीज़ें लाइक गाजर है या पम्पकिन है इनको स्टीम करके फ्रिज में हल्का सा ठंडा करके और फिर आप बच्चों को देंगे तो ठंडी चीज़ें मैंने देखा कि यश आराम से खाता है और थोड़ा पसंद करके क्योंकि उसको गम्स में आराम मिलता है ये देखो ये बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है इसके मुंह के आगे पूरे रैशेज भी हो गए हैं यशो ये लो कौवा तो यहाँ चाय वगैरह जब तक बन रही है तब तक फिर मैं अपना थोड़े मैंने काम निपटाए घर के शाम का टाइम था गेस्ट भी घर पर आए हुए थे तो आज मेरे को अलमारी भी सेट करनी थी तो मैं सोचा चाय वगैरह पी लेती हूँ उसके बाद जो बच्चों की नई कबर्ड मैंने बनवाई है वो भी सेट कर देती हूँ तो इसमें तीन चार सेक्शंस हैं डिटेल में आपको वीडियो जो है वो मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगा जहाँ पर मैंने पूरा अलमीरा आपको दिखाया है कि कैसे सेट किया है कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है सब कुछ बट यहाँ मैं फास्ट फॉरवर्ड में जस्ट आपको ऐसे बता रही हूँ तो ये बहुत ज़रूरी आइटम हो चुका था क्योंकि पहले जो मेरे पास एक प्लास्टिक वाली अलमारी या थी वो बहुत अच्छी थी बहुत स्पेशियस थी।, थी बट अब दो बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा कबर्ड चाहिए था तो ये सब करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यश का वॉकर सेट करने के लिए तो ये वॉकर आर के टाइम का लिया हुआ है और मैंने इसे जल जल्दी शुरू नहीं किया था अभी यश जो वो टेन मंथ का इससे ज़्यादा मतलब टेन मंथ कम्प्लीटेड है और यश जो है अब वो वॉक भी कर लेता है छोड़ करके बिना सपोर्ट भी वो दो तीन कदम एक दो कदम दो तीन तो ज़्यादा हो जाएंगे एक दो कदम ले लेता है फिर गिर जाता है तो अब वो चलने का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो उसको समझ में आ गया है कि कब वो गिरता है कैसे पकड़ना है सब कुछ उससे समझ में आ गया है तो अब एकदम राइट टाइम है कि मैं ये इस टाइप का वॉकर जो है वो यूज़ करूँ तो ये जो वॉकर आप देख रहे हो इसमें दो हाइट एडजस्टमेंट आते हैं आगे आप जो कलरफुल बटन्स देख रहे हो पर्पल और रेड कलर के वहाँ पर बैटरी लग जाती है तो वो जब चलाते हैं ना बच्चे तो आवाज़ें तरह तरह की लाइट्स और आवाज़ भी होती है तो अभी मैंने बैटरी लगाई नहीं है और उसके अलावा इसमें दो तीन टाइप के आगे है, हैंडल पे ऐसे आ, क्या बोले से? आ, न, वो खिलौने टाइप के लगे हुए हैं जिनमें आवाज़ आती है रैटल टाइप के लगे हुए हैं तो वो बच्चे खेलते रहते हैं ये सारी चीज़ें हैं एंड पीछे एक इसमें हैंडल पे भी लगा दूंगी मैं तो वो हैंडल से हम अगर बच्चे को थोड़ा सा गाइड करना चाहते सिखाना चाहते तो वो सब कर सकते हैं नीचे एक इसमें जहाँ पैर है ना वहाँ पर एक आ, एक पैड जैसा लगाने के लिए भी आता है बड़ा सा वो मैंने कहीं रख दिया क्योंकि ये आरफ का है ना तो अगर वो लगा देते तो बच्चे ये वॉकर जो है ना वो स्टिल हो जाते मतलब एक जगह रुक जाता है फिर बच्चे इसको वॉक नहीं कर सकते इस पर जंप वगैरह कर सकते हैं तो नीचे एक पैड जैसा लग जाता है पूरा कवर हो जाता है तो बच्चे के पैर ज़मीन पर टच नहीं होते हैं तो इसीलिए वो वॉकर रुका रहता है तो कुल मिला के अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छा वॉकर है क्वालिटी भी अच्छी है आप देख सकते हो पाँच छः साल पुराना है ये वॉकर तो लेकिन अभी यश इसको यूज़ कर रहा है बट मेक श्योर sure कि आप आ, बहुत अर्ली वॉकर ना दे दें मैंने देखा कि आ, कई लोग जो है ना वो काम वगैरह करने में बिजी रहते हैं इसलिए बच्चों को वॉकर जल्दी दे देते हैं सिक्स सेवन मंथ पे एट मंथ में दे देते हैं जब बच्चों ने ठीक से खड़ा होना भी शुरू नहीं किया है तो आप वो ना करें क्योंकि वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है इंजरी कर सकता है तो जब बच्चे एकदम चलना वलना सीख जाए तब तो आप उनकी प्रैक्टिस के लिए आप इनको वॉकर दे सकते हो वॉकर से बच्चे चलना सीखते नहीं हैं उल्टा उनको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है तो अगर आपको ये वाला वॉकर लेना है या इससे मिलते जुलता एक दो और भी अच्छा वॉकर जो मेरी नज़र में है उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी बेबी गियर नाम से मैं जितनी भी चीज़ें वीडियोस में दिखाती हूँ वो सब आपको सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अलग अलग कैटेगरी में तो आप ज़रूर वहाँ से चेक कर सकते हो आर के टाइम मुझे याद है लकड़ी का एक पुश वॉकर जो पहले बहुत हम लोग छोटे थे चलता था वही वाला वॉकर जो मुझे कहीं से मिल गया था तो वो मैंने यूज़ किया था वो बहुत अमेजिंग होता है और उसमें बच्चा विद इन अ वीक वॉक करना शुरू कर देता है सीख जाता है तो अगर आपको वो वाला कहीं से अरेंज हो जाए तो आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हो अदरवाइज़ मुझे ऑनलाइन मिलेगा तो मैं वो लगा दूँगी आप एक बार चेक कर लेना अगर लिंक ना मिले तो मुझे कॉमेंट करना हो सकता है मैं भूल जाऊँ कई बार ऐसा हो जाता है तो मैं अपडेट कर दूँगी तो सारे काम वाम करने के बाद खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग नीचे आ गए हैं यश के चाचा आए हुए थे तो यश आरव मैं और उसके चाचा ये चा चारों लोग नीचे आए थे थोड़ा वॉक करने के लिए मौसम क्योंकि बहुत अच्छा हो रहा था हेलो गाइस चलो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड मेरे रूल्स तो बताओ मुझे क्या करना है और मैं ऐसे करूंगा मुझे ये हमारी मम्मी है नमस्ते दोस्तों ऐसे और ये बीच में आ जाएंगी डिस्टर्ब कर दे हां और डांस करेंगे डांस ओके लेट्स गेट स्टार्टेड तो घर आने के बाद कुछ इस था, इसी तरीके से हमने काफ़ी सारी मस्ती की कुछ रील्स व्लॉग्स बनाए और बस इसी के साथ पे हमारा दिन जो है वो ख़त्म हो गया और ये व्लॉग भी यहीं पर एंड होगा और इसके अलावा भी मैंने एक व्लॉग और शूट किया था जो मेरे दूसरे चैनल निधि के व्लॉग्स पे जाएगा तो आप वो व्लॉग और वो चैनल भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया और थोड़ी भी आपको हेल्प मिली तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें इससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है और मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हाँ इंस्टाग्राम पर भी हमारे टेन के फॉलोअर्स हो चुके हैं तो आप जल्दी जल्दी से आगे और भी माइल्स टोना में पूरे करने हैं तो इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और भी आपकी जो क्वेरीज़ हो वो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उन सारी क्वेरीज़ को लूंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर And happy parenting. Bye.